मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बात करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। दिल्ली में जिस हिसाब से सियासत लगातार गर्मा रखी है, अरविंद केजरीवाल का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि आज अरविंद केजरीवाल की दिल्ली हाईकोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होने जा रही है, उनकी दिल्ली हाईकोर्ट में पेशी होगी। सीबीआई के मामले में अब अरविंद केजरीवाल की जो न्यायिक हिरासत हाल ही में बढ़ा दी गई थी सीबीआई द्वारा, उन्होंने जो याचिका सीबीआई की टीम ने दायर की थी, उस याचिका के बाद अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया था। आज उसी न्यायिक हिरासत किया एक अंतिम दिन है और आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, सूत्रों के हवाले से ये खबरें कहती हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट में पेश होने जा रहे हैं सीबीआई के मामले में। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल एक लंबे समय से जेल में बंद है, लगातार ईडी और ईडी के बाद अब सीबीआई का शिकंजा अरविंद केजरीवाल पर बुरी तरह से कस चुका है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से 21 दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी। लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जेल से जरूर बाहर आए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हार का सामना आम आदमी पार्टी को दिल्ली में करना पड़ा था, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल पर बुरी तरह से कहीं ना कहीं गाज गिरी थी और परिणाम अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के परिणाम जेल से बैठकर देखे थे। आपको बता दें कि 21 दिन के अंतरिम जमानत पर बाहर तो जरूर आए थे, चुनाव प्रचार जोरों शोरों से किया था, लेकिन उस चुनाव प्रचार का 1% भी फायदा आम आदमी पार्टी को दिल्ली में जाता दिखाई नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बहुमत के साथ सातों की सातों सीटें अपने खाते में ले ली। अब लगातार कयासबाजियां तेज हो चुकी है कि दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और 25 जनवरी से विधानसभा चुनाव का बिगुल जो है वो दिल्ली में बज जाएगा, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी की आखिर क्या तैयारियां हैं, इस पर लगातार सवाल तेज है। आज उसी के तहत 5 जुलाई की तारीख जो आज की है और 5 के बाद 12 तारीख है, 12 के बाद 17 तारीख है, लगातार अरविंद केजरीवाल की पेशी होने जा रही है आज दिल्ली हाई कोर्ट में, 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में, माफ करिएगा, राउज एवेन्यू कोर्ट में, और 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में। लगातार अरविंद केजरीवाल पर जिस हिसाब से शिकंजा कस रखा है, ईडी तमाम ऐसे सबूत कोर्ट में बेंच के सामने पेश कर रही है जो सबूत अरविंद केजरीवाल के विरोध में जाते कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। अब सीबीआई का मामला कहीं ना कहीं आ चुका है और सीबीआई लगातार अरविंद केजरीवाल को आरोपी घोषित करने की तमाम तरह के प्रयास कर रही है, ना केवल अरविंद केजरीवाल को बल्कि आम आदमी पार्टी को। आपको बता कि हाल ही में ईडी की चार्जशीट भी जो कहीं ना कहीं ईडी ने दायर की थी, उस चार्जशीट में भी यही लिखा गया था ईडी द्वारा कि अरविंद केजरीवाल को तो आरोपी बनाना ही है, लेकिन आम आदमी पार्टी को भी आरोपी घोषित करना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जनाधार कहीं ना कहीं तभी कमजोर हो पाएगा जब आम आदमी पार्टी के मुख्य चेहरे अरविंद केजरीवाल जेल में बंद होंगे। केजरीवाल के साथ साथ सिसोदिया जेल में बंद है, ये दो ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जो जेल में एक लंबे समय से बंद है। मनीष सिसोदिया की बात करें तो 2 वर्ष का समय कहीं ना कहीं अब उन्हें आने वाले समय में होने जा रहा है, 2 साल से लगातार वो जेल में बंद है, उनकी पत्नी बीमार है, वो लगातार अर्जियों पर अर्जियां डाल रहे हैं, कोर्ट में सुनवाई चलती है मनीष सिसोदिया के नाम पर, और उनकी पत्नी जो उनकी बीमार पत्नी है उनका ध्यान रखने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है, जिसके चलते मनीष सिसोदिया लगातार केवल इसी मुद्दे को उठाते हैं कि उन्हें अपनी पत्नी के साथ रहना है, अपनी पत्नी के बिगड़ते स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपको बता दें दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में उनके पक्ष में फैसला भी सुनाया था, लेकिन उसके बाद से ही मनीष सिसोदिया का नाम एक बार फिर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नजरिए से दिल्ली हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जैसे फैसले सामने आए, उसके बाद से सिसोदिया का नाम दबता नजर आया। केजरीवाल की रिहाई पर मोहर लगती अभी तक भी नजर नहीं आई है। अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले समय में क्या केजरीवाल रिहा होंगे, क्या मनीष सिसोदिया रिहा होंगे, 2025 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।